to all my students in your social science class. Today we are going to do third chapter of democratic politics or the political science of class 9. The name of our chapter is constitutional design samvidhan nirman. Students, in this chapter we will know or we will learn that what is constitution. Of course we are doing about the formation of the constitution. So first we all should know the meaning of constitution. So we'll start our topic with what is constitution. Then we'll move further towards the struggle against apartheid in South Africa and the formation of constitution in South Africa after the ending of that policy of apartheid. Then we will learn that why do we need a constitution? Kisi country mein democratic government ban gayi hai, dictatorship khatam ho gayi hai. To wahan par constitution banane ki kya zarurat hai? Why do we need to follow the constitution? Further, we will learn the formation of Indian constitution and its guiding values. Guiding values matlab wo kin principles, kin siddhanton par jo hai wo samvidhan banaya gaya. So students, let's start our today's class. First we'll start with the meaning of constitution. What is constitution? Constitution is a written document consists of basic laws which are to be followed by the government and the citizens of the nation. Ab dekhenge isme jo main important cheeze hain, that is it is written document. Ab usme likha kya hai? Basic laws. Ab wo laws kiske bare mein hai? Who have to follow those laws? That is to be followed by the government and the citizen of the nation. अब वो जो कानून लिखे हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए हैं? जिस देश का वो संविधान है, उस संविधान के लोगों और वहाँ की सरकार के लिए. अब यहाँ पर गवर्नमेंट अलग से मेंशन किया है. गवर्नमेंट भी कहाँ से बन रही है? गवर्नमेंट भी तो बेटा सिटीजन्स में से ही बन रही है. बट स्टिल इट इज़ रिटन सेपरेटली है. वाई? क्योंकि जनरली लोगों के माइंड में क्या आता है कि जो कानून है वो सरकार ने बना दिए और वो हम फॉलो कर रहे हैं, सरकार तो फॉलो कर ही नहीं रही. कि वो जो कानून बने हैं वो सरकार के लिए नहीं बने, वो सिर्फ जो आम जनता है उसके लिए बने हैं. बट नो, ऑल दीज लॉज विच आर टू बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर टू बी फॉलोड बाय ऑल द पीपल ऑफ द नेशन, वेदर दैट पर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेजिडेंट और द रिक्शा पुलर और द डॉक्टर और द टीचर और द लॉयर, एनीवन, एवरीवन हैज टू फॉलो all the rules which are to be mentioned in the constitution. ठीक है. एंड क्योंकि ये सबके लिए बराबर है, ठीक है, तो ये what it is the supreme law of the nation. ये जो है सबसे बड़ा कानून माना जाता है. Now we'll do the struggle against apartheid in South Africa and how the constitution was framed in it. So let's start with the meaning of apartheid. What is apartheid? Apartheid is रंग भेद नीति. रंग भेद नाम से ही बेटा हमें पता चल रहा है कि कलर के बेसिस पर किसी तरह का भेदभाव. सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड स्किन कलर. अब रेस यहाँ पर, रेस का मतलब दौड़ नहीं है, रेस मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आप कह सकते हो या नस्ल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है. सो नस्ल या त्वचा के रंग के आधार पर जो भी भेदभाव किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अपाथाइड. अभी पॉलिसी साउथ अफ्रीका में आई कैसे वो देखते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाइट कलर्ड यूरोपियंस टू ऑप्रेस द ब्लैक्स. यूरोपियंस जो थे दे एंटर्ड अफ्रीका, वहाँ पर उन्होंने अपना रूल्स बनाने शुरू किए एंड धीरे धीरे दे इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी ऑफ अपाथाइड विच वॉज टू ऑप्रेस द ब्लैक्स. ऑप्रेस होता है किसी को दबाने के लिए, किसी के ऊपर आप कह सकते हो अपनी पावर शो करने के लिए, ठीक है. तो यूरोपियंस ने जो है ये पॉलिसी बनाई है अगेंस्ट और फॉर द ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका. नाउ हू वर दोज ब्लैक पीपल? दे वर द नेटिव्स. सोचो वहीं के लोग हैं और उन्हीं को दबाने के लिए जो यूरोपियंस क्या कर रहे हैं वहाँ पर पॉलिसी बना रहे हैं ताकि सारी पावर किसके हाथ में आ जाए? उनके हाथ में आ जाए. अब इन ब्लैक पीपल में सिर्फ साउथ अफ्रीकन लोग नहीं थे, वहाँ पर जो बाकी कंट्रीज के कलर्ड पीपल, कलर्ड पीपल मीन्स ब्राउन स्किन कलर्ड या ब्लैक स्किन कलर्ड जो पीपल थे उनके लिए ये पॉलिसी थी. दे वर फॉरबिडन. अब इस पॉलिसी में था क्या? दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग और वर्किंग इन द एरियाज ऑफ वाइट पीपल.
जहाँ पर भी गोरे लोग या जो श्वेत लोग, श्वेत मतलब सफ़ेद रंग के, जहाँ पर भी श्वेत लोग रहते थे, इन कलर्ड लोगों को वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं थी। इन लोगों के स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग सेंटर्स, एवरीथिंग वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द रेसेस, द वाइट पीपल एंड द कलर्ड पीपल। मैरिज बिटवीन पर्सन ऑफ टू रेसेस वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर दोनों रेसेस या दोनों कम्युनिटीज के लोगों की आपस में अगर शादी हो जाती थी तो उसको जो है क्राइम माना जाता था। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। नो वाइट्स हैड नो वोटिंग राइट्स। जो नॉन वाइट पीपल थे, जो अश्वेत लोग थे, यानी ये सोचो साउथ अफ्रीका ही कंट्री है, वहीं के लोग, और वहीं के लोगों को वहीं की सरकार चुनने के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, सो नॉन वाइट हैड नो वोटिंग राइट्स एंड अदर सोशियो पॉलिटिकल राइट्स। कोई भी सामाजिक या राजनीतिक तौर पर कोई भी काम होता था उसमें उन लोगों की वहाँ पर कोई भागीदारी नहीं थी। अब ये जो सिचुएशन थी, सब कुछ अलग अलग होना, वाइट लोगों के लिए सब कुछ अलग है, ब्लैक लोगों के लिए सब कुछ अलग है, उनकी उनके लिए अलग कानून है और अश्वेत जो लोग थे उनके लिए अलग कानून है। इस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन या अलगाववाद। अलग नाम में देखेंगे, अलग अलग कर देना किसी को। सो द सेपरेशन और द आइसोलेशन ऑफ अ रेस, क्लास और एथनिक ग्रुप, यानी समाज के किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या जाति को उस समाज से अलग कर देना। और अलग किस बेसिस पर कर रहे हैं आप देखेंगे, रेजिडेंस इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उनके रहने की जो जगह है वो अलग है, बैरियर्स टू सोशल इंटरकोर्स, सामाजिक जो उनके स्थान है, पब्लिक प्लेसेस है, वो उनके अलग हैं, सेपरेट एजुकेशनल फैसिलिटीज़, स्कूल्स अलग हैं, फैसिलिटीज़ उनको अलग दी जा रही हैं, और बाय अदर डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स। और भी जो भी सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स हैं उन सब में जो है उनके साथ क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। सो सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। यहाँ देख सकते हैं आप, किसी क्षेत्र में जातीय, रंग, नस्ल आदि के आधार पर दो समुदायों की रिहाइश, रिहाइश मतलब रहने की जगह, कार्यस्थल जहाँ पे वो लोग काम करते थे, यातायात के साधन, देखो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी उनके लिए अलग थे। वाइट पीपल विल मूव इनटू अदर ट्रांसपोर्ट, दे विल यूज द अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड देयर वर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर द कलर्ड पीपल। मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन कोई भी हो सकते हैं, लाइक वी गो टू सिनेमास, तो वो भी मे बी उन लोगों के लिए अलग अलग थे। तो इन सारी चीज़ों पर उनके साथ क्या था? भेदभाव किया जाता था। वाइट कलर्ड पीपल के लिए अलग फैसिलिटीज़ थी, ब्लैक कलर्ड पीपल के लिए अलग फैसिलिटीज़ थी। और इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन या अलगाववाद। लेट मी शो यू एग्जाम्पल्स। हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स। फर्स्ट ऑन द टॉप यू कैन सी पब्लिक स्विमिंग पूल, वाइट ओनली। सो स्विमिंग पूल है और पब्लिक स्विमिंग पूल लिखा हुआ है। अब आपको पता है इंडिया में अगर कोई भी पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे कोई भी जा सकता है, वो किसी राज्य का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी कलर का है ना? पर वहाँ पर देखो कन्फाइन किया हुआ है, प्रिसाइज किया हुआ है दैट दिस पब्लिक स्विमिंग पूल इज़ ओनली फॉर वाइट कलर्ड पीपल। उसी के नीचे आप देख सकते हैं, वाइट ओनली, मेड इन यूनिफॉर्म, मेड सर्वेंट चाहिए घर पे, यानी ये वो एरिया है जहाँ पर वाइट कलर्ड पीपल रहते हैं। ठीक है, गोरे लोग या यूरोपियंस यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने बोला है कि दे नीड अ सर्वेंट बट ओनली वाइट स्किन कलर। देन हियर इज अ थिएटर, एक सिनेमा हॉल है, एक थिएटर है यहाँ पर, एंड दिस थिएटर इज़ ओनली फॉर कलर्ड पीपल। यहाँ पर वाइट यूरोपियंस मूवी देखने नहीं जाएंगे, यहाँ पर दिस मूवी थिएटर वॉज ओनली फॉर दी पीपल ऑफ और यू कैन से ब्लैक पीपल्स और द कलर्ड पीपल्स। नाउ हेयर इज द ड्रिंकिंग फाउंटेन, ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल बट हेयर इज द ड्रिंकिंग वाटर फॉर वाइट पीपल एंड हेयर इज द ड्रिंकिंग वाटर फॉर कलर्ड पीपल। ये लोग इस एरिया में जाकर दे कांट यूज दिस वाटर फैसिलिटी। हेयर इज अनदर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट वाइट टेनेंट्स इन आवर वाइट कम्युनिटी, यानी वाइट कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको रेंट पर भी अगर कुछ देना है, मकान देना है, तो वो किसको देना है? ओनली वाइट कलर्ड पीपल को। सो दिस वॉज द वे इन विच ब्लैक पीपल और द कलर्ड पीपल इन साउथ अफ्रीका वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द वाइट यूरोपियंस। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर टॉपिक फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न दैट हाउ
दिस पॉलिसी ऑफ अपाथाइड वॉज एंडेड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. हैव अ गुड डे.